जल्दी हराया मैं? अच्छी खुशी आ रही है। जल्दी हराया हाँ, मेरे मुंह पे। पहले मैं और दिन इस टाइम पे निकलता था, पर अब लॉकडाउन की वजह से कितना सुधर गया कि मैं 8 बजे घर आ गया। ये देखो पापा, शाहिन ने कुछ नहीं मंगाया। पापा शाहिन ने कुछ नहीं मंगाया, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो। कमाक्षी है पापा जो बिगड़ी हुई है, जो रात को 12-12 बजे मंगा खिलाती है और हमें भी खिलाती है, खुद भी खाती है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मासा ट्यूबर। आज अजहर है, मेरा दोस्त है, तो उसका बर्थडे है, तो उसने थोड़ा छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है। हम 5-6 दोस्त का जो हम मिल रहे हैं अभी फिलहाल, जिन्हें घर में कोई भी केसेस नहीं था, कैसे भी नहीं था, बिल्कुल हेल्दी है, जिनको वैक्सीनेशन भी लग चुकी है। देखो शाय को घर से निकलने की परमिशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है शाय, ये लॉकडाउन की वजह से उसको परमिशन नहीं है। परमिशन जो है वो कोविड की वजह से कि उसको परमिशन पापा मम्मी नहीं देते बाहर निकलने, अपने घर जाने की परमिशन है और डॉक्टर के घर, डॉक्टर के पास जाने की परमिशन है, पर बाहर घूमने फिरने की अभी शाय को परमिशन नहीं है। जब तक कोविड केसेस बिल्कुल निल नहीं हुआ था, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट टू निल नहीं हुआ था, बिल्कुल ये मान लो, तो शाय को ये लगता है कि यार मैं तुम क्यों घूमने जा रहे हो, यार तुम क्यों जा रहे हो, मेरे को बाहर घुमाओ, मेरे को भी घूमो मैं अंदर। देखो यार एक ह्यूमन नेचर होता है कि भाई घर में कब तक आदमी बैठ सकता है, उसके बाद तो आदमी एक टाइम पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन का टाइम है शाय का जो है, ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, इसलिए मैं आज जा रहा हूँ भाई कि मेरे को जाना है पार्टी में और भाई मेरे को मिलना है। मैं अपने किसी भी दोस्त से नहीं मिला हूँ 1.5 महीने से 2 महीने हो गए बिल्कुल। शाय फीलिंग जेलस? आज मैं घूमने जा रहा हूँ, आप नहीं घूम पा रहा? नहीं, जेलस नहीं हूँ, पर आपको भी घूमना है? अच्छा आपको भी घूमना है? हाँ। बिल्कुल यार, देखो जिस दिन भी केसेस, जिस दिन भी प्रॉपर, देखो आज दिल्ली में है लॉकडाउन का लास्ट डे आज, उसके बाद 50% खुल जाएगी। पर भाई मेरा एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात बोली कि दिल्ली में 50% खुल गया तो मतलब 100% खुल चुका है, क्योंकि 50% तब खुला हुआ था दिल्ली में, हमारे लोकल एरियाज में तब 100% लॉकडाउन था, तब 50% तो खुला हुआ था। होप करता हूँ आप सब गाइज सेफ होंगे, अच्छे होंगे। और अगर सेफ्टी की बात करें तो मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना है रिगार्डिंग सेफ्टी। धानी ऐप इज डिस्ट्रीब्यूटिंग 25 लाख कोविड केयर मेडिकल किट्स फॉर फ्री। इस किट के अंदर आपको मेडिसिन मिलेंगी, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन D3, जिंक, पैरासिटामोल, ये रिकमेंडेड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। ये किट आपकी इम्यूनिटी बूस्ट तो करेगा करेगा, साथ ही साथ आपका फीवर और बॉडी एक, बॉडी में दर्द को भी कम करने में पूरी हेल्प करेगा ये आपको। इस किट को आप धानी ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट धानी.com से भी आप इस किट को ऑर्डर कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी आपको प्रोफेशनल ओपिनियन चाहिए तो आप धानी ऐप पे, इनके कंसल्टेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, और आप किसी भी टाइम इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं धानी ऐप पे बिल्कुल फ्री। प्रोटेक्ट अदर्स बाय प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। डाउनलोड धनी ऐप, जैसे आप डाउनलोड करेंगे धनी ऐप को तो वहाँ पे आपको बैनर मिलेगा कोविड केयर हेल्थ किट पे, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर करना और वहाँ से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इट्स टाइम टू सेट अप एंड हेल्प ईच अदर। धनी इस फाइट में मैं आपके साथ हूँ, #धानी आपके साथ। निकलेंगे तो सेफ्टी के साथ निकलेंगे, ये चीज़ तो है, पर अभी पूरी तरीके से मैं नहीं मानता कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, कि 50% के साथ ही खुला है। पर जिस दिन भी केसेस नेक्स्ट टू लोगे शायद, आई प्रॉमिस मैं आपको एक ट्रिप करा के लाऊंगा अच्छी जगह पे, बहुत सेवन्थ मंथ से पहले पहले, अभी सेवन्थ मंथ स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हमारा पूरा एक महीना है, तो 7 मंथ से पहले पहले मैं शाय को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी जगह पे ट्रिप करा के लाऊंगा, ठीक है, अगर हालात सही रहे तो। पक्का? पक्का, डन, बहुत डन, आपको जगह बहुत पसंद आएगी। हाँ भाई, प्रॉमिस मैंने कर दिया, तो इसको देखते हैं, बस ऊपर वाले से प्रे कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए और आपको एक प्यारा सा ब्लॉग मिले हमारे घूमने का, ज़्यादा दूर का नहीं, आसपास का, पर बहुत ही खूबसूरत है जो मैंने सोचा है, अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा उस चीज़ को मैं, अभी शाय को भी नहीं पता है। ओके वेब्स, पक्का डन, अब तो हैप्पी हो? हाँ, चलो अब ना मुझे आउटडोर शूट करने का इतना मन करता है, देखो इंडोर तो मैं नॉर्मल कर रहा हूँ अपने सोनिया कैनन से कर लेता हूँ, पर मेरे को जो मज़ा आता है शूट करने में, मैं अभी तो फिलहाल देखो मुझे गोप्रो से बहुत मज़ा आ रहा है शूट करना, तो मैं वेट करता हूँ जल्दी से आउटडोर का कोई शूट हो, आउटडोर का शूट हो और मेरे को गोप्रो यूज़ करने को मिले। ये मेरा रेडी है आज के लिए गोप्रो ले जाने के लिए, बिल्कुल शूट के लिए, और ये मेरी एक एक्स्ट्रा बैटरी जो मैंने मंगाई थी। ये जो चीज़ है ना ये अगर ना होती, ये चीज अगर ना होती तो आज YouTube नहीं होता, आज शाय स्टाइल्स नहीं होती, अगर ये चीज़ नहीं होती तो जैसे कि आप लोग कहते हो कि भाई कौन सा कैमरे से स्टार्ट करें, YouTube स्टार्ट करना है, कौन से कैमरे से स्टार्ट करें, सब कुछ करें, पर मैं बता दूं, शाय ने 2017 में जैन में ये फ़ोन लिया था, OnePlus 3T, मैंने गिफ्ट किया था बर्थडे पे। चलो ठीक है, मैंने बर्थडे पे ये शाय को ये वाला फोन गिफ्ट किया था, OnePlus 3T, उस टाइम पे 27,000 रुपए का फोन था भाई। शाय ने ये फोन लिया था, उसके बाद
फेब में शाह ने बोला कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करना चाहती हूँ, और उसने इसी फोन से डेढ़ साल के आसपास शाह ने इसी फोन से शूट किया है, जो स्टार्टिंग आप डेढ़ साल तक देखोगे ना। फिर अगस्त में जाके शाह ने अपना G7 Mark II लिया था 2018 में, बाकी 17 फेब से लेके 2018 अगस्त तक ये जो फोन है OnePlus 3T इसी के फ्रंट कैमरे से शूट किया है। इसको मैं कभी नहीं बेचने वाला, ना शायद बेचने वाली, ये हमेशा हमारे पास रहेगा एज अ मेमोरी कि इसी की वजह से जो भी आप लोगों से प्यार मिला है वो इसकी वजह से मिला है। अगर ये ना होता तो शायद आज YouTube ना होता। अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, छोटे स्टार्ट कीजिए, उससे अर्न करना स्टार्ट कीजिए, और धीरे धीरे अपना बड़ा सेटअप भी आज कर सकते हो। तो जल्दी से रेडी हो जाते हैं, क्यों अगर मैं अब ज़्यादा लेट किया तो भाई मेरे को अब गालियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों से कि दोस्त महीने बाद मिल रहा है और वो भी इतना लेट। क्या कर रहे बेबी? You are ready to go. चलो नाराज नहीं हो रहे, मम्मी तुम मेरी आई। मम्मी और शाही की भी कुछ बात हुई और दोनों ने ना शक्ल बना ली, क्योंकि मेरे को जाने को जल्दी बुलाने का इरादा है इन दोनों को मिलकर मेरे को घर को, पर मैं इस इमोशनल ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं आना, मैं निकलने वाला हूँ जल्दी से, पर कोशिश करूँगा, सच में कोशिश करूँगा जल्दी आ जाऊँ, ठीक है? चलो बाय। Hey bro, how are you bro? After so long. Oh, ये तो बदल गया यार, बहुत यार इसके बिना मेरे को सबसे ज्यादा इसलिए आता है ये पूरे लॉकडाउन में लगा लो शादी के 10 दिन हमारे घर बैडमिंटन खेल रहा है, और शादी के टाइम पे इस बेचारे को होगा कोविड। मेरे को नहीं हुआ कोविड, घर में होगा किसी को क्या? मेरे को लग रहा था मैं। अच्छा, और ये बेचारा क्वारंटाइन हो गया इसलिए बुरा लग रहा, शादी भी नहीं आ पाया। ओ भाई, अगर की मुझे ख्वाहिश थी हथौड़े वाला केक, हथौड़े वाला केक मंगाया है, बर्थडे कल है पर आज केक आज ही काट रहे हैं, बर्थडे बॉय आ चुका है, और एक केक काटा नहीं जाएगा, केक जाएगा फोड़ा, फोड़ने वाला केक भाई की हमेशा ख्वाहिश थी। तेरा केक ओ भाई, इसको भी इसी बढ़िया है। अब भाई खाली साइज लेते हैं, थोड़ी ज्यादा बढ़िया लगता है खाली में। बेल्ट अभी पड़ेगी, रुक जा, नहीं बेल्ट नहीं यार, बेल्ट कहाँ से है, बुरा कर रहा है, बेल्ट नहीं, लीड मत जाएगा, बेल्ट नहीं, खत्म हो चुका है, बीच में। अरे भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, ले ले खा ले ले भाई, आगे का थोड़ा धोखा तू। हाँ भाई, इसको सेव करके रख, ऐसा कर रहा है जैसे खून का निशान नहीं उठाते, खून का वो दाग उठाते हैं, हथौड़ा धो रहा है, खून का कोई निशान, इस होटल में खून हुआ है उसका कोई निशान नहीं रहना चाहिए यार। ओ भाई, पार्टी भी बड़ी मस्त, मजा आ गया भाई सबसे मिलके। भाई मीट हर्ष, गौरव, बाकी चले गए अक्षय, जानते तो हो गए पाठक जी, क्या हाल है? और कौन कौन जा रहा है भाई, उसको बोल दे दो मिनट। अजर एंड इसको तो आप जानते हो, सैफ ब्रो, ओके ब्रो, फ्रेंशु कहाँ है? फ्रेंशु हो रहा। तो भाई बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलके, पता नहीं कितने दिन बाद मिल पाएंगे। कैस्पर, नो कैस्पर, जल्दी हराया मैं, अच्छी खुशी मारी आप, जल्दी हराया हाँ, मेरे मुंह पे। पहले मैं और दिन इस टाइम पे निकलता था, पर अब लॉकडाउन की वजह से कितना सुधर गया, मैं 8 बजे घर आ गया। ओह, एट लास्ट मीना, क्या बात है भाई, मजा आ गया भाई, कैसा लग रहा है घर 2 महीने बाद देख रहा है बेचारा? घर में भाई कोविड केस आ गए थे इसलिए शादी में नहीं आ पाया, इसलिए आज 2 महीने बाद आ रहा है, कोई नहीं, मेरी हमदर्दी में तेरे साथ है, हमें तो पार्टी में मिस किया। तो भाई मज़ेदार, अच्छा सा लग रहा है घर आके, जल्दी आज के बाद शायद मैं जब भी घर से बाहर निकलूँगा मैं 8 बजे तक आ जाऊँगा, 8:30 तक आ जाना चाहिए यार, बीवी बच्चों के साथ मैं टाइम बताऊंगा यार, बच्चा है तो ये ना, बीवी बच्चों के साथ टाइम बताऊंगा। वेज बिरयानी आपके लिए हम, अक्षर आप मिलके खाना, मीना को मत देना, ठीक है? मीना का मन है बाहर से खाने का? अरे आ जा बच्ची, तेरे बढ़िया है नीचे। अच्छा भाई, तेरे लिए भी मंगा रहा हूं कुछ बढ़िया, मुझे पता नहीं था तू आ गया, मैं जा रहा हूं। चलो ओके ब्रो, बाय बाय। चप्पल पहन के मैं तेरे लिए वेज बिरयानी लाया हूं, थोड़ी सी बिरयानी वेज। दादी बनने वाले हो, गिर गए ना, अब बुढ़ापा आ चुका आपका। ये बात मम्मी को मान लेनी चाहिए कि मम्मी का बुढ़ापा आ गया। तो ये सोच रहा मेरे बच्चे को कौन खिलाएगा मम्मी? नहीं, बात वो नहीं है कि भाई बुढ़ापा आ गया मम्मी का, मम्मी दादी बनने वाली है और मम्मी को ऐसे करना नहीं चाहिए, गिर गए तो हड्डी नहीं जुड़ेगी। कल एक्चुअली मेरी दीदी के सास ससुर जी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो उनके लिए गिफ्ट ढूंढा जा रहा है कोई बढ़िया सा गिफ्ट, क्योंकि अभी बाहर तो ऐसा सच कुछ खुला नहीं है, तो हमारे पास काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पीसेस पड़े हैं गिफ्ट के, तो वो हम सोच रहे हैं उसको कुछ गिफ्ट करें, तो उसको ढूंढने के लिए मम्मी पर चढ़ी हैं। क्या टोस्टर? हाँ।
अच्छा चलो मैं ढूंढता हूँ पता ना। तो कैसा लगा भाई भाभी से मिलके? नीचे मिलके आया होगा भाभी से, बता शादी मिस कर दिया, यकीन सा नहीं हो रहा अभी तक, यकीन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अरे भाभी यार सीधे खाना बनाती दिख रही है हमारे घर के अंदर ही, लगा लो छोटा सा भी फंक्शन, छोटा सा कैसा भी हो, मतलब चार बंदों का बर्थडे बन रहा था उसमें भी गर्म भी रहता था, पर भाई इस कोविड के चक्कर में ये ही शादी से स्किप हो गया बताओ। और एक्चुअली बैचलर तक में ही आया था, उसके 10 दिन बाद शादी में नहीं आ पाया। कैमरे में जो मैंने नया कैमरा ये ऑर्डर किया था, ये मुझे बताना जरूर कोई देख रहा हो, सोनी ZV-1। इसके अंदर एक प्रॉब्लम मैं इस वक्त फेस कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, मतलब यूज़ करते करते जब बैटरी थोड़ी सी 20-25% बची होती है उस टाइम पे इतना हीट हो जाता है कि आप इसे हाथ नहीं लगा सकते हो। तो ये इशू शायद इसमें है या फिर सभी कैमरे में, ये मुझे नहीं पता, ना मुझे इसका यूट्यूब पे कुछ चीज़ मिल रही है। अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताना, कोई यूज़ कर रहा हो या सेम इशू किसी ने फेस किया हो। सोनी ZV-1 ये देख लो भाई, मूवी स्टार्ट कर होने से पहले लेट नाइट क्रेविंग्स। क्या हुआ, ड्रायर पे गिरा दिया? हो दूध, वो ड्रायर देख लो ना, सही है भाई ड्रायर। चल अच्छा तुम्हें ड्रायर की पड़ी है, वो 40,000 का कपड़ा तो दूध चली। अरे भाभी थोड़ी ना चलिए, दूध गर्म थोड़ी ना। बाकी मैं तो लेट नाइट क्रेविंग दिखा रहा था, ये तो अपना भी कैप्चर हो गया दूध गिरना तो। और ये ट्रीट छोटी सी हमारे करमवीर भाई की तरफ से, इनको 101 रुपए का नाम, ये कामाक्षी के लिए भी है। पापा अगर आप देख रहे हो ना तो मैं बता दूं, पापा अगर आप देख रहे हो तो कामाक्षी ने अपने लिए मंगाया था, ये सोचे ये नहीं खा रही, मेरा उसका और एक कामाक्षी का, पापा देख लो। पापा को ये ना लगे ना कि हमने खाए सिर्फ ये, देखो पापा शाय ने कुछ नहीं मंगाया, पापा शाय ने कुछ नहीं मंगाया, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो कामाक्षी है पापा जो बिगड़ी हुई है, जो रात को 12-12 बजे मंगा के खिलाती है और हमें भी खिलाती है और खुद भी खाती है। मैंने क्या मंगाया देखो, हाँ पापा देखो हेल्दी दूध पी है, तो तेरे चक्कर हमने मंगाया है, ये इसके चक्कर हमने मंगाया, नहीं तो पापा रात को हम नहीं खाते, पापा रात को बिल्कुल नहीं मंगा के खाते, खासकर 11 बजे बिल्कुल नहीं, खासकर रात को 11 बजे हम कुछ नहीं मंगाते। पर कामाक्षी पापा, कामाक्षी कहने पे रोल माया, और फोन रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा पापा अगर आप बोलोगे तो, अगर आप गुस्सा करोगे बुला लेना कमरे में, मैं आ जाऊँगा जस्टिफाई करने के लिए। तूने क्या बोला, पहले बोला मंचूरियन रोल खाऊंगी, फिर हमने कहा मंचूरियन रोल ठीक है, फिर आई भगते भगते नहीं सोया रोल खाऊंगी, सोया चाप रोल खाऊंगी। पापा ठीक है, कामाक्षी 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 को आप डांटोगे नहीं तो इस चक्कर हम ही बच जाएंगे। तो इस ब्लॉग में इतना ही, रात के बज गए 1:30, आज शाय और कामाक्षी यहाँ सोने वाले हैं मेरे कमरे में, मैं और भाई करमवीर मेरे मामा का लड़का हम उस कमरे में सोने वाले हैं सिर्फ आज, आज कल से मैं यहाँ सोऊंगा, वो अपना यहाँ पर डेज करेगा भाई अकेले, ठीक है, ठीक है शाय हमारे कमरे, सॉरी हमारे कमरे नहीं, आज आज खाली मैं वहाँ सो रहा हूँ, आज कामाक्षी का एड्रेस कर लो, हाँ नाती नहीं है पर वो तो नाती नहीं है ना, सुनो आज चल बहन ठीक है, तो आज आज शाही और कामाक्षी यहाँ सोने वाले, मैं और मेरा मामा का साइड वाले कमरे में सोने वाले हैं, पापा मम्मी सो चुके हैं अपने कमरे में। तो बाय गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही, बाकी मैं कल भी ब्लॉग करने वाला हूँ, कल का ब्लॉग कल मैं बताऊँ कहाँ जा रहे हैं, बाकी कल हम कल स्पेशल जगह जा रहे हैं जो नेक्स्ट ब्लॉग होने वाला है जो कि कल सुबह है। तो बाय गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही, लव यू, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, जब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी।